ये सीएए क्या है? तो सीएए क्या है जिस पर हमने भारत बंद किया था, वो आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए ये सीएए क्या है। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का नाम लेकर, बांग्लादेश का नाम लेकर एक कानून बनाया और मुझे कुछ दिन पहले आसाम के लोग आसाम में बुलाया, क्योंकि आसाम में ये लागू किया उन्होंने सीए, तो वहां बुलाया, तो वहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो गए और ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा हो गए और उन्होंने बुलाया बुलाया, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तो मैंने पूछा आसाम के लोगों को कि जब ये सीए का आंदोलन चल रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जब आंदोलन चल रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने मुझे कहा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग आंदोलन में थे। ये क्या करने के लिए गए थे? कहा बांग्लादेशी लोगों को खदेड़ने के लिए गए थे वहां। तो अब क्या हो रहा है? कहा हमको ही खदेड़ा जा रहा है, हमारा ही समर्थन लेकर बांग्लादेशियों को खदेड़ेंगे कहा, और अब कानून हमारे ही विरोध में बनाया। तो कुछ लोगों ने कहा आसाम के कि अब ये कई आदमी है आपको बचा सकता है। तो हमने पूछा कौन है? वामन मेश्राम, उसके पास जाना होगा, तो फिर आपके पास आए। तो हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सीएए के विरोध में भारत बंद किया, नहीं तो नरेंद्र मोदी अमित शाह डेली कहते थे सीए डेली कहते थे। और जब मैंने भारत बंद किया, भारत बंद में क्या हुआ? एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनके विरोध में था, उनको खदेड़ने का मामला था। और मुसलमानों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया, तो एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान सारे इकट्ठा हो गए और पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। जब ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया तब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सीएए बोलना बंद कर दिया। अभी सीएए कोई बोलता है? अभी बोलता है कोई? बोलती बंद करवा दिया, बोलना ही बंद हो गया, बोलती बंद करवा दिया, इतना बड़ा भारत बंद करवाया। तो इसका रहस्य क्या है? आरएसएस के, बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे, जब हमारा भारत बंद सफल हो गया तो बैठे। बैठने के बाद उन्होंने सोचा, आपस में क्या सोचा, ये सीए का मुद्दा तो वामन मेश्राम का मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो हमारा मुद्दा है, मुद्दा हमारा है, हमने वामन मेश्राम के हाथ में दे दिया सीए, और उसी को लेकर लपक कर उसने भारत बंद कर दिया। ये तो मुद्दा तो हमारा है, हमारी वजह से एससी एसटी ओबीसी और मुसलमान इकट्ठा आ गए, नहीं तो हम इस देश में डेली एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाते हैं, मुसलमानों से भिड़ाते हैं, डेली लड़ाई लगाते हैं एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान, मुसलमान वर्सेस एससी एसटी ओबीसी, इनको डेली लड़ाते हैं। मगर सीएए की वजह से एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान इकट्ठा आ गए।
और हमारी नलायकी की वजह से सारा ऐसा हो गया। हमने सीए नहीं लिया होता तो ये इकट्ठा नहीं आते। तो फिर किसी ने पूछा कि फिर क्या करें, कि अब सीए पीछे लेना होगा, नहीं तो वामन मेश्राम दोबारा भारत बंद कर देगा, पहले के मुकाबले और ज्यादा भारत बंद हो जाएगा। तो जब हमने भारत बंद किया तो विरोधी पार्टी के लोगों ने संसद में अमित शाह को पूछा, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको बता रहा हूं, अमित शाह ने संसद में बोला था कोई ताकत नहीं है सारे भारत भर में सीए लागू करेंगे, कहा था। तो विरोधी पार्टियों ने पूछा अमित शाह को कि सीएए भारत भर में लागू करने वाले थे आप, कहां तक तैयारी आ गई आपकी? अमित शाह को पूछा। अमित शाह का जो स्टेट मिनिस्टर था किशन रेड्डी राज्य मंत्री, उसको बुलाया अमित शाह ने कि मैंने कहा था साला देश भर में लागू करेंगे, अब कौन से मुंह से कहो कि नहीं लागू कर सकते, मेरे पास तो कोई मुंह रहा नहीं अभी, तो ऐसा कर मेरी इज्जत बचा ले, तू बोल दे। किशन रेड्डी पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, होम मिनिस्टर स्टेट राज्य मंत्री, और कहा, क्योंकि विरोधी पार्टियों ने पूछा था, क्या पूछा था कि सीए भारत भर में आप लागू करने वाले थे, कहां तक तैयारी आ गई है? तो किशन रेड्डी ने जवाब दिया, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, और अगर विचार करेंगे तो फिर मैं एक बार और भारत बंद कर देता हूं। तो विचार करने वाले नहीं है। 19,48,000 लोगों को आसाम में उन्होंने नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, उसमें केवल 5,00,000 लोग मुसलमान है। मुसलमान का नाम लेकर ये कानून बनाया, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों के नाम पर कानून बनाया, उसमें केवल 5,00,000 मुसलमानों को निकाले, और 14,48,000 SC ST OBC को निकाल दिया, 14,00,000 SC ST OBC को निकाल दिया। अब SC ST OBC दुनिया में कहीं है ही नहीं, इधर ही है, अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, ये भेजेंगे कहां, ये यही है। तो अभी एक RTI में एक आदमी ने पूछा कि 19,48,000 में 5,00,000 मुसलमान और 14,00,000 SC ST OBC, आप तो कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे, SC ST OBC को आपने निकाल दिया। तो अभी RTI में पता चला कि वास्तव में कितने लोग विदेशी है। तो RTI में सरकार ने जवाब दिया 1,032 लोगों के पास ही कागज नहीं है, 1,032 लोगों के पास ही कागज नहीं है 19,48,000 में से, बाकी सभी लोगों के पास कागज है, केवल 1,032 लोगों के पास ही कागज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग कहते बीजेपी RSS वाले कि बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिन SC ST OBC को सताया जाएगा उनको भारत में लाकर उनको नागरिकता दी जाएगी, वहां के SC ST OBC जिसे ये लोग हिंदू कह रहे हैं, वहां से हिंदू आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी,
आरएसएस बीजेपी के लोग एससी एसटी ओबीसी को भारत में हिंदू कहते हैं उनको निकाल रहे और पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर यह नागरिकता दे रहे। वारे महान लोग भले आरएसएस बीजेपी के लोग है? और आखिरकार आंकड़ा सिद्ध हुआ केवल 1032 लोगों के पास ही कागज नहीं है। नरेंद्र मोदी को पूछो तुम तुम्हारे मां के पास जाओ पूछो कि मेरा बाप कब पैदा हुआ था उसका कागज है, तो उसके मां का रिकॉर्ड और बाप का रिकॉर्ड मिलेगा कि बरसात का दिन था, बरसात बरस रही थी तब उसकी माँ जो है बच्चा पैदा कर रही थी जो नरेंद्र मोदी का बाप है। कौन से साल का बरसात थी ये पता नहीं, बरसात चल रही थी, साल का पता नहीं है। अच्छा तारीख, अरे तो साल का ही पता नहीं तो तारीख का पता कहां से होगा। 86 में कानून बना जन्म तारीख वाला, भारत सरकार ने कानून बनाया 86 में, और कागज मांग रहा 1950 का। अरे तो नालायकी की साली हद हो गई भाई, तुम खुद कानून बना रहे हो 86 में, तुम्हारे पास ही कागज नहीं है। अब भारत का आदमी कागज मांगने के लिए अमेरिका जाएगा क्या? ये हमको कागज दो भाई, हम यहां पैदा हुए। अबे तुम्हारे पास ही कागज नहीं है, तुम ही कानून बना रहे 86 में, कागज मांग रहे हो 1950 का। और उस समय किसी के भी दादी को जाके पूछो, दादी मेरा बाप पैदा कब हुआ? वो अमावस्या का दिन था, पूर्णिमा का दिन था, तब तेरा बाप पैदा हो रहा था बेटा। अच्छा वो कौन से साल की बात है? साल तो पता नहीं बेटा, अमावस्या थी। वो कैसे याद रही दादी? काली रात थी ना, इसलिए तो तेरा बाप काले रंग का पैदा हो गया। रात जो है वो काली थी इसलिए याद रह गया। पुराने जमाने के लोगों को पूछो आप, वो यही बताते हैं किसी के पास कोई कागज भागज नहीं है। यहां जितने भी लोग हैं यहां, उनका जो स्कूल में सर्टिफिकेट है किसी का भी सच नहीं है, मेरा खुद का सच नहीं है। स्कूल में लिखा है 5857। एक बार मेरी मां सफाई कर रही थी तो सफाई करते करते लाल कपड़े में बांधा एक तांबे का पत्रा मिला। मैंने मां को पूछा ये क्या है? कहा ये तेरा जन्म तारीख है, सुनार के पास जाकर लिखवा के लाया था मैंने। तो उसमें मैंने पढ़ के देखा तो 21-11-57, 5857 स्कूल में, तब मुझे पता चला। तो इस तरह से किसी का भी, इसलिए तो कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के पास होने का डॉक्यूमेंट पूछा तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, डॉक्यूमेंट मत मांगना। हाईकोर्ट ने रोक लगाया भाई, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। हाईकोर्ट वालों को भी मालूम नहीं है, चला उसी का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो बोलेगा इसको बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, इसको बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, ये लोग इस देश में सीए का कानून हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए ये मामला खड़ा किया गया है और कुछ नहीं है।